लाइव ओके स्टार्ट सेकंड चालू कर सर हम दो तीन मिनट लगा देते हैं हमारे मंडल मित्र आज हैं ओके सर आज आज आत्मनिर्भर होना संभव है अगर जीवन से जुड़ी वस्तुओं का संस्कृति से
हम आदिवासी समाज के नजरिए देख पाए, इसीलिए समस्या को जानने के लिए आज एक दूसरे प्रतिकार में गए हैं। और इस मैं अपनी वाणी को देते हुए अतिथि विशेष का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर राजीव जोशी जी से निवेदन करता हूँ कि आमंत्रित अतिथि का हम धन्यवाद अनिल जी। आपने आदिवासी के कुरियाकरण के तजुर्बों को बहुत ही कम शब्दों में प्रस्तुत किया, वाकई ये सराहनीय है। यह सच है कि आदिवासी आधुनिकता में, पूंजीवाद में, विकासवाद में आधुनिक नहीं है। प्रकृति जितनी संसाधन प्रदान करती है उसी का निश्वास भाव से उपयोग करके वे परिशुद्ध रहते हैं। उनके मन इतने शुद्ध है कि धन का मोह उसे दूषित नहीं कर सकता। धन्यवाद अनिल। मैं डॉक्टर राजेश जोशी उड़ीसा विश्वविद्यालय के कला एवं मानवीय संस्थान अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे अत्यंत खुशी है और खुशी हो रही है कि मुझे आज के अतिथि प्रवक्ता एवं व्यक्ति विशेष का परिचय देने का शुभ अवसर मिला है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे उड़ीसा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के महोदय कुलपति श्री डॉक्टर विद्या सिंह हमारे आदमी है, जिनके मार्गदर्शन से हमें हमेशा प्रेरणा मिल रही है। और इसके अलावा मैं आज के इस वेबिनार में हमारे विभाग की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में महोदय सर का स्वागत करता हूँ। आज के वेबिनार में हमारे व्यक्ति विशेष हैं, जो हमारे इस वेबिनार के प्रवक्ता है वो है डॉक्टर हरीश नारायण पांडे जी, जो सामाजिक विज्ञान एवं नीति विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार गया में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। मैं उनका अनुरोध पूर्वक आज के इस वेबिनार में उड़ीसा विश्वविद्यालय और मेरे सहकर्मियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ एक शोधकर्ता ऐसे व्यक्ति है जो संजू गौर जी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कलाशास्त्र विभाग में अभ्यास कर रही है। मैं उनका भी इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके अलावा आज के इस वेबिनार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों के प्राध्यापक प्राध्यापक श्री आचार्य श्री डीन श्री अध्यक्ष श्री जो कोई इस वेबिनार में उपस्थित है उसको मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और अभी मुझे यह आनंद हो रहा है कि इस वेबिनार में समग्र राष्ट्र से करीबन 350 से भी ज्यादा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज ये बड़ी तरह का जो वेबिनार में उसका जो व्याख्यान है उसका लाभ लेने वाले फिर से एक बार आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। और मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय सतीश विद्या जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमको आशीर्वचन करें और इस वेबिनार को प्रारंभ करने की अनुमति दे। डॉक्टर विद्या द्विवेदी जी को मैं निवेदन करता हूँ कि वो आशीर्वचन सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। विद्यार्थियों जी हेलो जी से निवेदन है कि वो अपना वक्तव्य आशीर्वचन के रूप में शुरू करें।
ये दिया सेट सेट नथी रिमोट है क्या है Thank you.
क्या हुआ? सेंड मी लिंक। आप कौन कीजिए डॉक्टर? हेलो जो भी नेक्स्ट कर देना डिसमिस कर दो डिसमिस करके हरीश नारायण पांडे सर से विनती करता हूँ कि वो ही वेबिनार अपना वक्त शुरू करें। डॉक्टर हरीश पांडे धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं सीयू शाह यूनिवर्सिटी परिवार के मुखिया कुलपति जी डॉक्टर रमेश व्यास द्विवेदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ इस वेबिनार की कमेटी के सभी इम्पोर्टेंट मेम्बर्स जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, हम लोगों को कनेक्ट किया, एक अवसर दिया, जिसमें कि डॉक्टर राजेश द्विवेदी जी हैं, सॉरी डॉक्टर राजेश जोशी जी हैं जो कि ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर के डीन हैं, सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज लिटरेचर के डीन भी हैं और डॉक्टर अनिल कुमार जोशी जी हैं और हमारे सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं ये वेब गोष्ठी जिसका टॉपिक COVID-19 का अनुसूचित जनजाति के जीवन पर प्रभाव है, ये बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट टॉपिक है और मेरा ये मानना है कि COVID-19 पहले मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि जो ये मेरा टॉक है वो मेनली तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन है वो आपको इसका एक छोटा सा सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिदृश्य COVID-19 का क्या है और ये कैसे स्टार्ट होता है उसके विषय में चर्चा करता है और जो दूसरा सेक्शन है वो COVID-19 का या कोरोना का या कोरोना के इन्फेक्शन का जनजातीय जीवन पर खासकर भारतवर्ष में क्या प्रभाव है इसकी चर्चा करेंगे। फिर तीसरा जो कि एक कंक्लूडिंग सेशन होगा जिसमें कि डेवलपमेंट को लेकर के उससे कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के और कुछ छोटे मोटे सजेशंस भी उसकी बात करें। हम स्टार्ट करते हैं तो पहला सेक्शन ये बताना चाहता है या इसकी बात करता है कि COVID-19 का सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। ये मेरा मानना है कि COVID-19 फॉल्टी डेवलपमेंट प्रोसेस का एक सीवियर कॉन्सिक्वेंस है और इसके बिगेस्ट सफर शुरुआती दौर में
दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज थी या रहे। जो हम देखते हैं ये कोविड 19 कहाँ से प्रारंभ होता है, इस पे दुनिया के सभी लोगों का एक ही विचार है कि यह मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट साइंटिफिकली डेवलप्ड लेबोरेटरीज वुहान सिटी चाइना से निकलता है या चाइना के डेवलप कंट्रीज है उसके एक स्पेसिफिक मार्केट, जिसको एनिमल मार्केट या पेट मार्केट कहते हैं, वहाँ से। इसमें किसी का इस पर कोई संदेह नहीं, और इसके सफर सारे डेवलप कंट्रीज हैं। वो डेवलप कंट्रीज खासकर डेवलपमेंट के जितने भी इंडिसेज हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, उसका भयंकर रूप से यूज करता है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चाइना है, रशिया है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऐसे देश। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि डेवलपमेंट एस्पिरेशन को लेकर, चाहे वो ट्रेड हो, बिजनेस हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या टूरिज्म हो, या सोशल कल्चरल एक्सचेंज हो, इसको लेकर के दुनिया के सारे देशों और समाज, जितने भी स्टूडेंट्स या बिजनेसमैन या और भी प्रोफेशनल्स इन देशों में पहुंचे, वो भी इसके बराबर की मात्रा के सफर। अब ये दुनिया के देशों में फैलता है, तो जैसा हम जानते हैं कि डेवलपमेंट पे डिपेंडेंसी थ्योरी है, जो ये कहती है कि डेवलप कंट्रीज का डेवलपमेंट अंडर डेवलप कंट्रीज के अंडर डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। तो इस डिपेंडेंसी से अगर हम समझें तो सारे डेवलप कंट्रीज के साथ जिन डेवलपिंग कंट्रीज का संबंध है वो भी इसके इन्फेक्शन के शिकार हैं, और उसमें भारतवर्ष भी है। उसमें इस तरह से कोरोना का प्रसार कैसे होता है, कोरोना का प्रसार भी उन्हीं डेवलपमेंट के इंडिकेटर से कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जैसे टूर एंड ट्रेवल से, जैसे जिसमें हम कहते हैं हवाई जहाज, जिसमें कहते हैं रेल है, बसेस है, गाड़ियाँ, जो कि आपके माइग्रेशन को या जो कि आपके मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। जहाँ जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस मूवमेंट का, वहाँ इसका उतना ज़्यादा प्रभाव है। उसमें फिर डेवलपिंग नेशंस के साथ भी ऐसे डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप कंट्रीज, जैसे हम लोग भारतवर्ष है और भी डेवलपिंग नेशंस है, इन डेवलप कंट्रीज से जितना कनेक्टेड है और जितना ये कनेक्शंस प्रैक्टिस करते रहे, उतना कोरोना का इन्फेक्शन इन देशों में। यहाँ पे एक बात ये बताना जरूरी है कि दुनिया के सारे पार्ट हो चुका है, जिसमें चाहे वो एशिया हो, साउथ एशिया हो, मिडल ईस्ट हो, या साउथ एशिया या लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, यहाँ जगह पहुँच चुका है। और यह स्पष्ट रूप से जानना है, अभी उतना ही लेटेस्ट टॉपिक है, उतना ही लेटेस्ट प्रॉब्लम है, इसके बहुत से आर्टिकल्स, बहुत से बुक्स और एकेडमिक्स के जो आउटपुट्स होते हैं वो हमारे पास अभी तक नहीं, लेकिन इसमें मीडिया पर्सनल्स, मीडिया के कई रूप, जैसे कि फेसबुक है, टेलीविजन है, उसके चैनल्स हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके रिपोर्टर्स हैं, उनके एडिटर्स हैं, इन लोगों की सहायता से हमारे पास बहुत सी न्यूज़, शुरू से ही बहुत तरह की न्यूज़ हमारे पास कोविड 19 से संबंधित पहुँच रही है, पहुँची। इसमें हम लोगों ने देखा हमारे सारे मीडिया रिपोर्टर्स, सारे मीडिया पर्सनल्स बहुत ही रिस्क लेकर के ये कोविड 19 से फॉरनर्स पे, हर फॉरनर्स पे पहुंचे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो हाईवेज हो, रोड्स हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन हो, जहाँ चाहे वो शमशान हो, चाहे वो फ्यूनरल्स हो, चाहे वो क्रीमेशन का, सारी जगह मीडिया पर्सनल पहुँच। इसके भयावह स्थिति को हमें दिखाया और बताया, और यहाँ तक हमने देखा, आप सभी देखा कि बहुत से देशों में हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, उनको समझिए, उनको दफनाने के लिए स्थान नहीं है, हॉस्पिटल्स में और शवदाह समझिए गृहों में शव लाइनें लग रही हैं। इससे इतना
डॉक्टर्स हैं और चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पुलिस पर्सनल्स हो, इन लोगों ने पूरा रिस्क लिया, उनको हम एकदम से एडजस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं कोरोना वॉरियर्स। उन्होंने पूरा अपनी जान को खतरे में रखा इस प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए बड़ा स्ट्रगल किया और हमें सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और मीडिया पर्सनल्स को हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए। और टीवी में तो ऐसा भी इन्फॉर्मेशन आया कि कुछ ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिसमें बीसों की संख्या में उनके मीडिया पर्सनल्स इन्फेक्टेड हो गए, हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आज वो अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं। और भगवान की कृपा से बहुत से लोग ठीक होकर के अपने घरों पर भी पहुँच चुके हैं। जैसा हमें पता है कि कोरोना का स्प्रेड बहुत ही तेजी से हुआ, ये कुल 3-4 महीनों का समय है, समझिए दिसंबर लास्ट से जनवरी से लेकर 4-5-6 महीने में हर जगह पहुंच चुका है। और इसमें प्रॉब्लम की बात है, ये सबको पता है कि इससे संबंधित कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और इतने कम समय में दुनिया के हर देश में समाज में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और खासकर उनका इन्फेक्शन पुनः ऐसी जगह हो रहा है जहाँ पे डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा संख्या में बनाया गया है और प्रयोग में आ रहा है लोगों के व्यवहार, जिसको हम कहते हैं शहरी या अर्बन सिटीज। आज भी ये सुदूर गांव में अभी तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन हो सकता है कि ये पहुंच रहा हो, क्यों? क्योंकि अब ये लॉकडाउन खुल चुका है ये 12 वर्ष के अंदर, और दूसरे देशों और समाज के संदर्भ में भी ऐसा ही कुछ कमोबेश सही हुआ मुझे ऐसा लगता है। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रारंभिक तौर पर हमारे देश में और भी दूसरे देशों में लोगों ने बहुत अलग अलग स्तर पे, बहुत अलग अलग लेवल पे बहुत से प्रॉब्लम्स फेस किए, जैसे हॉस्पिटल्स नहीं, बेड्स नहीं, डॉक्टर्स नहीं, नर्सेज नहीं, पीपीई किट्स नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं, एम्बुलेंसेज नहीं, इन सब चीज़ों की भारी कमी। और इन चीज़ों की भारी कमी जब मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो और डर का माहौल बनता है या और भी भयावह स्थिति होती है। दुनिया के सारे देशों ने इसका एक भी इलाज शुरू किया या एक भी इलाज समझा और उसको लोगों को बताया और साथ किया, जिसको हम कहते हैं लॉकडाउन। तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया और इस लॉकडाउन से हुआ क्या, अब देखिए इस लॉकडाउन से हुआ क्या, पूरे मार्केट्स बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, समझिए चाहे वो बिग इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, कुछ भी उद्योग है, सब बंद हो चुके। और ये बंद हर वर्ष में भी करीब मार्च के लास्ट वीक से लेकर के जून के फर्स्ट वीक तक रहा, तो अगर देखें तो लगभग 2.5 महीने तक रहा या करीब 10 हफ्ते तक। और इस लॉकडाउन में ऐसा नहीं है कि हर जगह की सरकारें या हर जगह का समाज सोता रहा, बहुत ही एक्टिव रहा, किसी चीज को बंद करके यानी दूसरे फ्रंट पे एक्टिव रहा। और वो फ्रंट क्या था, हमारी सरकार, हमारी कम्युनिटी लीडर्स, हमारे और जितने भी कम्युनिटी में मान्य पुरुष हैं, ये सभी लोगों ने हमें और आपको समझाया इसका केवल दो उपाय, और वो उपाय क्या है, वो उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का, और दूसरा उपाय क्या है, अपना जो सेल्फ है, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि कोरोना 19 के इन्फेक्शन से ऐसे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जिनमें इम्यून सिस्टम की समस्या है या इसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, या जो ओल्ड एज के लोग हैं, ओल्ड जनरेशन के लोग जो कि दूसरी तरह की बीमारियों से भी ग्रसित है, तो उनमें उनका कोरोना इन्फेक्शन अगर होता है तो उनका इम्यून सिस्टम तुरंत बहुत ही डैमेज हो जाता है और फिर दूसरे तरह के इन्फेक्शन उनकी जान जाती है। भारतवर्ष में भी ऐसा ही हुआ, भारतवर्ष में ऐसा होने लगा तो यहाँ भी लॉकडाउन हुआ, और सरकारों ने आपस में मिल करके, चाहे केंद्र सरकार कई राज्यों की सरकार से, कई तरह के एक्सपर्ट्स से, डॉक्टर्स की मीटिंग कर रही है, बहुत से मंथन हो रहे हैं, और इसके लिए क्या किया गया, तो सबका यह प्रयास था। और इसमें हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी में मिल करके इससे एक साथ ऐसी लड़ाई लड़ी जिससे कि हम आज तक
हमारा एक देश हमारा देश बहुत एक हद तक सुरक्षित लेकिन आज स्थिति दूसरी बदते हुए पर हम यहाँ ये कहना चाहते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में हमारी सरकारों ने हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने हमारे और भी समझिए सेलिब्रिटीज ने सबको ये समझाना शुरू किया कि आपको अपने व्यवहार में व्यवहार मीन्स जो आपका सोशल एक्शन है सोशल बिहेवियर है उसको बदलना और क्यों बदलना है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन थी या डॉक्टर्स थे बेस्ट थे और प्रॉब्लम्स एक लेवल पे ही काम दूसरे लेवल पे जैसे कि हमारी सरकार बहुत एक्टिव रही होगी और ये कहती रही कि हमारे लिए एक अवसर है हम अपना जिस भी चीज़ की नीड है उसका प्रोडक्शन करें उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं जिसमें चाहे वो मास्क हो चाहे वो पीपीई किट्स हो चाहे वो वेंटिलेटर्स हो या बेड्स बनाना हो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाना हो ये सब हम करेंगे और उन लोगों ने अपनी लेवल पे इसका प्रयास लेकिन लॉकडाउन में हम देख रहे हैं रोज पे गाड़ियाँ नहीं चल रही ट्रेन बंद हो गए जहाज बंद हो गए जहाज बंद हो गए लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई तो दूसरे स्तर पे हमारे और जो फैक्ट्रीज में या ऑफिस में या दुकानों पे या और जगह जहाँ भी प्रोडक्शन होता है जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का काम होता है और भी जहाँ पे व्यापार होता है सब कुछ बंद हो जाने से वहाँ के मजदूर बेरोजगार हो गए तो बहुत एक हद तक बहुत लंबी बेरोजगारी बढ़ गई और साथ साथ में हमें ये भी बताया गया कि जो आपका व्यवहार है वो बहुत नेचुरल होना चाहिए व्यवहार ऐसा ना हो कि आप हमेशा आर्टिफिशियल चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाए नहीं टी वी चैनल्स में बहुत से प्रोग्राम आ रहे हैं और ये बताया जाने लगा कि इसको कैसे हम इससे इसके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते और बड़ी बात यह है कि हमारे भारतवर्ष के सभी तबकों के लोग सभी लोग अपने घरों में बंद इसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ अपने व्यवहार में कैसे कितना इफेक्टिव परिवर्तन किया जाए इसके लिए उन्होंने प्रयास और वो अपने लाइफ को एक नेचर्स के पास नेचर्स के नेचर्स का जो गिफ्ट है हमें जिसमें कि हमारे वो गिफ्ट हमारे घरों में हमारे आसपास में है जैसे तुलसी है जैसे अदरक है काली मिर्च है जैसे गुड़ है गोल है सतावट है इंदिरा है शहद है हल्दी है इन चीज़ों का प्रयोग लोगों ने शुरू किया सभी लोगों ने पारा पीना शुरू किया छोटे बच्चों को भी लोगों ने अपने स्तर पर उसको समझाना और अपना मैं आप ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ या अपनी स्टूडेंट लाइफ हम लोग बहुत सौ साल पहले कोई हमारी आई कोई बीमारी आई इसमें गांव के गांव नष्ट हो गए लोग और मर गए ये प्रॉब्लम हो गया और आज अपनी आंखों से हम ये देख रहे हैं कि ये बीमारी हमारे देश में पूरी दुनिया में चल और पूरी दुनिया में ये एक महामारी बनकर के फैली गई दिन में हाहाकार मचा हुआ है यहाँ इमेजिन करिए ऐसा भी हो रहा था कि न्यूज़ को या खबर ऐसी आ रही थी इन्फॉर्मेशन ऐसा आ रहा था कि यूरोप के कई से कंट्रीज में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे उनके पास हॉस्पिटल नहीं है डॉक्टर्स नहीं तो चूंकि लोग बहुत कनेक्टेड है और वहाँ पे अपने देशों को दूसरे देशों में ये स्थिति तो इस बीमारी से लड़ने के लिए इस मजबूरी से लड़ने के लिए लोगों के पास कोई उपाय एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा अपनी लाइफ स्टाइल बदलना अपने वे ऑफ लाइफ बदलना और ऐसे लाइफ स्टाइल बदलना अपने खाने पीने की चीज़ों आदतों में उसमें सुधार करना बाहर खाने को खाना बंद करना अपने घर में भी बहुत सात्विक और बहुत अच्छी चीज़ें हैं एनर्जी वाली चीज़ें हैं या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की चीज़ें उसको खाना शुरू और हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ जब सब कुछ बंद तो चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो चाहे वो कंजम्पशन हो चाहे वो डिमांड हो तो इससे ये देखा गया कि जहाँ पे उनके परिवार को रन करने के लिए उनके बच्चों को भोजन देने के लिए कपड़ा देने के लिए दवाइयाँ समस्या क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था तो बेचारे जाते कहाँ तो सरकार के सामने भी समस्या आई और देखा गया कि इतना क्रेजी स्कूल मजदूरों ने दिखाया देख करके पूरा दिन भी ऐसा देखा गया कि हजारों के लिए ये हमारी मजदूर का डर है कुछ रिक्शा से जा रहे हैं कुछ साइकिल से लोग जा रहे हैं अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं कुछ बीमारी को यूज कर रहे हैं कुछ कैसे आ रहे हैं और इसके
देश के चालू रखो मैसेज देखा नहीं करते पूरा देश के लिए सरकार भी चिंतित हो गई सरकार को यह समझना था कि इसका कैसे उपाय निकलेगा सरकार ने प्रयास किया हमें कहते हैं कि इस दो तीन हफ्ते के बाद जीवन निकाय हुआ लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे इन चीजों को कमजोर नहीं किया गया और दूसरे स्तर पर सरकार को यह भी काम रहा कि सरकार ने तुरंत कई लाख करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर और उसका मेन फोकस था जो भी लीगल सेक्शंस हमारे कंट्रीज में उन्होंने ये प्रयास किया जो भी लीगल सेक्शंस हमारे कंट्रीज में चाहे वो एससी है एसटी है कुछ और भी हैंडल करते हैं या कुछ और भी हैं ओल्ड एज पीपल उनके लिए उन्होंने तरफ रखे बहुत से प्रोग्राम्स अनाउंस किए बहुत से हेल्पिंग पैकेज अनाउंस किए जिसमें कि ऐसा देखा गया कि ये जो उनका हेल्पिंग पैकेज था वो सफिशियंट नहीं हुआ और लेकिन उनके प्रयास को हम सराह सकते यहाँ हम ये उम्मीद करते हैं कि और थोड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में अगर ये एफर्ट किया गया होता तो शायद ये और ज़्यादा प्रभावशाली साथ में ये बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि हमारे समाज को अपने अपने स्तर पर भी बहुत काम किए कोई खाना का पैकेट दे रहा है कोई कपड़े दे रहा है कोई कुछ हेल्प कर रहा है कोई पैसे हेल्प कर रहा है और ये देख करके ऐसा लगा कि सभी भावना आ गई है इस बीमारी से महामारी से सबको करना है और सब लोगों ने प्रयास किया दूसरी बात मैं थोड़ी सी इस पूरे महामारी और इस पूरे बीमारी का एक बड़ा निगेटिव साइड रहा हमारे देश वो ये रहा कि हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स थे कभी पुलिसमैन कभी नर्सेस कभी कम्युनिटी लीडर्स या डॉक्टर्स या और हेल्थ वर्कर्स यदि देखा जाने लगा कि शहरों में ऐसे जोन्स बन रहे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो शुरू शुरू में बहुत से डॉक्टर्स वहाँ जाकर के समझाना होगा क्योंकि लोग इसको इसमें इसको लोग डिनाइल कर रहे हैं उनका डिनाइल भी सामने आ रहा तो लोग समझाने के लिए जा रहे थे तो शुरू में वो समझे नहीं और उनका व्यवहार बहुत ही कभी हिंसक हुआ कभी झड़पी हुई कभी उन्हें दौड़ाया जब बच्चे मारे तो ये भी देख करके बड़ा लोगों को कि जो हमारे लिए अपनी जान को हथेली भी लेकर काम कर रहे हैं हमारा ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए सरकार इस पर बहुत सेंसिटिव रही तुरंत सरकार ने एक्शन लिया और लॉ बनाया और लॉ बना करके पूरी जनता को सिखाना चाहिए और इसमें काफी हद तक सफलता मिली लेकिन इन लॉ बनाने के बाद भी कुछ केसेस बहुत से रूप में आए और ऐसा केसेस अभी मुंबई में देखा गया कभी दिल्ली में कभी कश्मीर राजस्थान में कुछ परेशान कुछ मिला तो भी ऐसा केस आया अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ ये तो ऐसा लेकिन हम ये यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इसका इन्फेक्शन किस सेंस में कोरोना 19 या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है इन्फेक्शन के लिए भी मेक रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स कि दूसरों से इन्फेक्शन चाहे वो देश के लेवल पर देखें तो हमारे देश में दूसरे देश से इन्फेक्शन एक बार समाज के रूप में देखें जो लोग बाहर से आ रहे हैं चाहे वो प्लेन से आ रहे हैं फिर ट्रेन से आ रहे हैं फिर टैक्सी से आ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक समय वो बढ़े हैं हमारे अपने लेकिन वो दूसरे रूप में आ रहे हैं क्योंकि वो दूसरे लैंड से आ रहे हैं दूसरे लोग उनके पास इन्फेक्शन मीन्स ये सेल्फ और अदर्स की डाइकोटोमी दूसरे को हम अदर्स कह रहे हैं और सेल्फ कुशल व्यक्ति अपनी तो अगर दो लोगों को देखा जाए तो आप एक सेल्फ हैं और दूसरा इन्फेक्शन देने वाला अदर्स तो सेल्फ और अदर्स की जो एक डाइकॉटमी है इस डाइकॉटमी का या इसका एक रिलेशनशिप अगर हम इस रिलेशनशिप को अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाले बिहेवियर से अगर हम इंटरेक्शन में ले आते हैं तो हम इन्फेक्शन से बचें और अगर हम ऐसा नहीं करते तो सेल्फ और अदर्स की लाइफ और हमें इन्फेक्शन देगी और वो इन्फेक्शन होगा कोरोना वायरस का जो कि कभी भी फेटल हो सकता है फेटल क्यों हो सकता है ठीक है हम जानते हैं हमने अपनी हमने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा ली लेकिन क्योंकि हमारा जो बाहर का एटमोसफियर है वो भी इतना पॉल्यूटेड है वो भी डेवलपमेंट का ही कॉन्सिक्वेंस है वो इतना एनवायरमेंट इतना पॉल्यूटेड है इतना एयर इतना पॉल्यूटेड है हमारा वाटर इतना पॉल्यूटेड है कि हमें कोई भी इन्फेक्शन अगर हो सकता हो जाएगा तो हम प्रॉब्लम है और हमारे पास जो भी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ बेड्स इन टर्म्स ऑफ
medical instruments like ventilator, like oxygen supply, like nurses, doctors, vaccines or medicines. ये नहीं, ये इन चीजों में हमारी समस्या को रोका है. मैं आपको बताना चाहता हूँ others कैसा. Others means who are going to infect you. वो others ये concept of self and other है. वो other कैसा है कि वो infect कर सकता है. अगर जो other है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग करता है, इम्यून सिस्टम पे ध्यान देता है, वो सेल्फ. लेकिन अदर्स अगर ये नहीं करता है या ये नहीं खाता है, उसमें व्यवहार नहीं, वह मोर मॉडर्न है, मोर डेमोक्रेटिक है, मोर फ्रीडम लविंग है, मोर इंडिविजुअलिस्टिक है, मोर मोबाइल है, मोर एंजॉयमेंट लविंग है, लेस प्रोटेक्टिव, वो इन्फेक्शन. और ऐसा किसी भारत तक नहीं मिलता, पूरी दुनिया में. हमने देखा कि पश्चिमी समाजों में, इंग्लैंड में या ब्राजील में देखिए या अमेरिका में देखिए, इनके इनकी सरकारों ने, ठीक है बहुत जगह लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन इनकी सरकारों ने अपनी जनता को अपनी व्यवहार बदलने के लिए कहा. और उसमें यही था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, आप प्रोटेक्टिव होइए, आप मास्क लगाइए. लेकिन हमारी जनता ने सुना, हमारी जनता ने ऐसा नहीं किया. तो वो जनता कैसी थी? वो जनता मोर मॉडर्न, वो जनता कैसी थी? वो जनता मोर इंडिविजुअलिस्ट, वो मोर मोबाइल, वो मोर फ्रीडम लविंग, वो मोर एंजॉयमेंट लविंग. इससे ये समस्या ऐसा हुआ कि उनकी संख्या लाखों में, जहाँ तक देखिए अमेरिका में 20 लाख के ऊपर ये इन्फेक्शन पहुँच चुका है. देखिए इंग्लैंड में लाखों के ऊपर इन्फेक्शन. इंडिया में इसकी स्थिति है कि लोग रोज 10,000 से ऊपर इन्फेक्शन. अभी दो तीन दिन पहले इन्फेक्शन आई कि 24 घंटे में 2,000 से ऊपर के लोगों की. और ये यही है अदर्स और सेल्फ का जो एजेंडा है, उससे इन्फेक्शन बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि हमने अपने सोशल व्यवहार, जो अपना सोशल बिहेवियर है, सोशल कल्चरल रिलीजियस बिहेवियर है, उसको हमें बदला. अब देखिए बहुत से मंदिरों में पूजा हो रही थी, बहुत सा बहुत सी शादी, बहुत से शादी ब्याह मनाए जा रहे थे, बहुत सी मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ रहे थे. तो ये अगर हमने अपने सोशल डिस्टेंसिंग की और अपने सोशल व्यवहार, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार को बदला होगा, तो शायद इस पर हम दूसरे को निश्चित. ये इस तरह से आप समझिए कि ये जो इस पूरे